सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गोहाना जींद रोड पर गांव बुटाना और नूरनखेड़ा के बीच बोलेरो और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बरौदा थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल गोहाना भिजवाए। घायलों को गोहाना अस्पताल के बाद गांव खानपुर कला स्थित BPS राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल रेफर कर दिए। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार करनाल में गांव ब्रिजपुर के अजय और चीन में लोदर गांव के आशीष रोहतक में एक होटल में नौकरी करते थे। सोमवार को ड्यूटी पूरी करने के बाद वे दोनों मोटरसाइकिल लेकर जींद के लिए निकले। उन्होंने रास्ते से करनाल में गांव बड़ोद के अपने साथी तेजिंदर को साथ लिया। जब वो गोहाना जींद रोड स्थित गांव बुटाना और नूरनखेड़ा के बीच पहुंचे तो मोटरसाइकिल और बोलेरो गाड़ी में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद बोलेरो गाड़ी भी पलट गई। बोलेरो गाड़ी में गोहाना के गांव बुटाना के चंद्रहास और उनके 14 साल के बेटे निखिल थे। इस घटना में अजय और आशीष की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चंद्रहास, निखिल और तेजिंदर गंभीर रूप से घायल हो गए। बुटाना चौकी से ASI कृष्ण पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को गोहाना के नागरिक अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने चंद्रहास को मृत घोषित कर दिया जबकि निखिल और तेजेंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद BPS राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। उधर पुलिस ने अजय और आशीष के शव कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस विभिन्न पहलुओं को लेकर जांच कर रही है। इस हादसे के बाद सोनीपत पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए PGI रोहतक भिजवा दिया जहां पर तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। चौकी में थे, एक रात हम अपना ड्राइवर थे तो गाड़ी के, वो आके हमें बताते थे कि बुटाना और इसके खेड़ा खेड़ी के बीच में एक्सीडेंट हो रखा, वहाँ पे काफ़ी कई आदमी इंजर्ड हैं। तो हम वहाँ से वहाँ पे गए, मौके पर थे, अपने साथ अपने पुलिस कर्मचारी और भी लेके गया। वहाँ पे देखा कि हमें ये अजय व आशीष, ये तो मौके पे ही एक्सपायर हो रखे थे और इनका एक और साथी था तेजेंद्र जो घायल अवस्था में था, जो तीनों मोटरसाइकिल पे थे। और उसके बाद एक जीप है महिंद्रा TUV 300, इसका ड्राइवर था चंद्रास और इसका बेटा था 13-14 साल का, इसके साथ इसी गाड़ी में निखिल, ये दोनों भी घायल अवस्था में थे। इन तीनों को हमने घायल अवस्था में वहाँ पर GS गोहाना भेजा जहाँ पर चंद्रास भी दोनों ने इलाज एक्सपायर हो गए हैं। और चंद्रास का लड़का जो निखिल और जो मोटरसाइकिल में एक लड़का था अपना तेजेंद्र, इन तीनों दोनों को खानपुर भेजा गया इलाज के लिए, जो खानपुर में इनका इलाज चल रहा है। अब यहाँ GS में आए हैं, यहाँ पर इनके वारसान आएंगे उनसे वो करके। टोटल कितने इसमें किस चीज़ के साथ एक्सीडेंट हुआ है? मोटरसाइकिल और एक महिंद्रा TUV 300 है उनका आपस में। ये कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ सर? ये एक्सीडेंट बता आपको, अपने बुटाना और नूरनखेड़ा गांव के बीच में जो जिन से गोहाना रोड होता है उसके बीच में, जहाँ पे KGP अपना यहाँ से कटरा वाला नया रोड बनने लग रहा है और वहाँ पे एक मिक्सर प्लांट लगा हुआ है उसके बिल्कुल सामने हुआ। इसमें कितने डेड हैं और कितने इसमें? इसमें 3 ब्रो डेड हो गए हैं, 2 इंजर्ड हैं।